देखिए आजकल जो है ना वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आजकल तो ध्यान भी बिक रहा है क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री हो रहा है। तो इस दिनचर्या में संगीत हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और अनेक प्रकार के संगीत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो क्लासिकल भी लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनको, क्योंकि सुकून देता है आत्मा को। जो सुकून दे उसी की तलाश में आदमी फिरता है। खूब खूब भाग दौड़ करने के बाद उसको थोड़ा सा सुकून जरूर चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत हो, संगीत हो तो शास्त्र उसमें शास्त्रीयता और आ जाए तो उसके अंदर और भी ऑथेंटिसिटी आ जाती है और उसमें फिर आपको और भी आनंद आता है कि आप उसकी बारीकियों में भी आप उसको समझें तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आजकल एक डॉक्टर के पास जाए तो हर चीज़ के मतलब आप सिंपल वो बोलता है कि आप ज़्यादा सोचिए नहीं, आप परेशानी नहीं हुई। तो डॉक्टर के पास भी जब कोई मरीज़ आ जाता है तो वही परेशान हो जाता है, कोई डिफिकल्ट हुआ जाता है। ना सोचना परेशान होना कोई हमारे बस में तो है नहीं। लेकिन संगीत जो है वो एक बहुत ही अच्छी एक विधि है जिससे लोगों को तकवीत आत्मा का भोजन है, उससे सुकून मिलता है। तो एक ध्यान है या स्मरण है, तो स्मरण जो एक वो है तो उसमें संगीत जब ऐड हो जाता है तो बहुत अच्छा मतलब दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बात हो जाती है। तो सुने संगीत, सुने शास्त्रीय संगीत सुने, इससे आपको सुकून ही मिलेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। नींद आजकल बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई है। तो ये भी एक मेडिटेशन एक लोगों ने बना लिया है कि सोते सोते भी आप सुने। जैसे मैंने उसके लिए बोला था पैदाइश से पहले, जब मतलब हम अभिमन्यु का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसी तरह से एक एकलव्य का भी एक उदाहरण है कि हम अपनी धारणा लेके बैठे और हमने अपने गुरु शिष्य परंपरागत तरीके से उन्होंने मतलब परंपरागत तो नहीं सीखा लेकिन फिर भी उन्होंने एक धारणा थी कि मेरे को उनसे गुरु द्रोणाचार्य से सीखना है। तो उन्होंने उन्होंने उनसे उन्हीं को गुरु मान के एक आधार मान के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त करना एक जिज्ञासा है, बहुत सुंदर एक रूप है जो जो सबकी ये जिज्ञासा है। और उसको आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो एक्स वाई जेड, यही नहीं सोचिए कि सिर्फ सिर्फ साक्षरता का मतलब जो है वो ज्ञान प्राप्ति है। आज दुनिया परेशान इसीलिए है कि बहुत सारे जो इतने एजुकेटेड इतने लिटरेट लोग जो हैं वो वही सब चीज़ें गड़बड़ा रहे हैं। टू क्रिएट इतना सारा ये सब चीज़ें बनाना करना तो उसमें बहुत ही एजुकेशन की ज़रूरत है। अब वही लोग जो है वो जान रहे हैं कि क्या चीज़ बना रहे हैं लेकिन फिर भी बनाए जा रहे हैं। तो दुनिया परेशान इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वही क्या कर रहे हैं। मैं उसको मेरे को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा।